उससे पहले एक कवि है दोरेंद्र भदौरिया, उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। दृश्य कुछ ऐसा है कि एक शहीद का पार्थिव सर उसके घर आता है। जैसे ही कफन हटाते हैं तो पता चलता है कि सर नहीं है, केवल धड़ है। तो सब जने रो रहे होते हैं, अश्क बहा रहे होते हैं, लेकिन जो शहीद की बहन होती है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहाँ होगा। वो अपने भाई की भूलने की आदत से बहुत परेशान थी। कुछ मंगाया तो भूल गया, गिफ्ट मंगाया तो भूल गया, कुछ लाने को कहा तो भूल गया। तो वो बहन कल्पना क्या करती है, कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है कि दादी का दुलार बोला बाबुल का प्यार बोला मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग बोला, दीपों की उमंग बोला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से ही बुलक करता, जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश बुलाया है। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। मैं केशव का पांच जन भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माते की कुमकुम बिंदी वापिस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराही। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मदमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी दुला महावर झूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। अब कोई एक शहीद होता है तो पूरा देश उसे कहता है हम आपके साथ हैं, सहानुभूति भी देते हैं, लेकिन उसके परिवार पे क्या गुजरती है। एक कवि है मनोज, उन्होंने कुछ पंक्तियां रखी। मैं अपनी कविता के दूसरे छंद पढ़ने से पहले वो पंक्तियां आपको सुनाऊंगा कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का कुछ पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। दूसरी पंक्ति कुछ ऐसे है, जो पहले पहले चुम्बन के बादलाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जिएगा। जो पहले पहले चुम्बन के बादलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। इस कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। किसी भी धर्म में ये परंपरा नहीं है कि एक स्त्री अपने पति की अर्थी को कंधा देती है, लेकिन करगिल युद्ध के समय राजस्थान में एक जिला है भरतपुर, उसमें एक गांव है अजान, वहां का एक शहीद वीरेंद्र सिंह शहीद हुआ। उसकी पत्नी गायत्री देवी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों के मर्जी के खिलाफ शादी के जोड़े को पहनकर शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये बहुत हमारे लिए गौरवशाली बात है। इस पे मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध
उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामर में, वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्ति को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्ति को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अब सैनिक के शौर्य उसकी वीरता पे कुछ पंक्तियां रखता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुतारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुतारा बन जाता है, उसकी उस दीपक की कुर्बानी से सूरज भी शर्माता है, उस दीपक की कुर्बानी से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उस पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। ऐसे सैनिक के सौ का दर्शन भी तीर्थ जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा लगता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा लगता है। अंतिम चार पंक्तियां है। सैनिक अपना लहू बहाकर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपना लहू बहाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं। अंत में एक बार आप सभी मेरे साथ जोर से, पूरे जोर से कह रहे, भारत माता की जय।